नमस्कार, आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहले बात मधुबनी में पंचायत के तुगलकी फरमान की। मधुबनी में पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। पटना घटना मधवापुर थाना के बलवा गांव की है। यहां पीड़ित जीवच यादव की पत्नी सोनमति देवी पर पड़ोसी ने पुआल में आग लगाने और चोरी का इल्जाम लगाया। इसे लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जीवच यादव और उसके पूरे परिवार पर 5,51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना नहीं देने पर पूरे परिवार को गांव छोड़कर निकल जाने का फरमान सुना दिया गया। किराना दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाले जीवच के पास लाखों का जुर्माना भरने की हैसियत नहीं है। जीवच यादव ने पुलिस से भी गुहार लगाई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। फिलहाल पीड़ित परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। गाँव के बीच पंचायती बैठा, सभी ग्रामीणों उसमें उपस्थित था। इन्होंने ग्रामीणों ने यह तय किया कि ये 5 लाख रुपया जुर्माना दे या गांव छोड़ के चले जाए। पंचायती में भेल से 5 लाख रुपया दंड, 51,000 रुपया लाओ तो गांव में रहू आ नहीं देबो तो पैसा तो गांव से भागो। तो हम सब कहलिए से 5 लाख रुपया अहाँ के दंड गरीब आदमी भ कत से दू से गाँव छोड़ के 6 महीना में चले जाओ। तो किस तरीके से तुगलकी फरमान सुनाया है पंचायत ने, उसकी एक वानगी देखने को मिली। 5,51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया पंचायत बुलाकर, और जिस पर जुर्माना लगाया गया है उन लोगों का यही कहना है कि वो खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके पास जुर्माने की राशि चुकाने के लिए 5,51,000 रुपए नहीं हैं, लेकिन पंचायत ने उनको जुर्माना नहीं देने के बदले गाँव छोड़ने का फरमान सुनाया है। घटना मधुबनी की है जहाँ अभी भी पंचायतों का तुगलकी फरमान सामने आया है। एक पंचायत ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया है, एक परिवार को गांव छोड़ने का तुगलकी फरमान सुनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। सरकार की लापरवाही के कारण बिहार के 60 दलित छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज ने छात्रों को कॉलेज से इसलिए निकाल दिया क्योंकि बिहार सरकार की ओर से पिछले 2 सालों से इनकी स्टाइपेंड की राशि रिलीज नहीं की गई। अब ये छात्र छात्रा सुसाइड की धमकी दे रहे हैं। परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं हम लोग, और आखिरी रास्ता हम लोग को वहीं मिला एक सुसाइड करने का। बस अब ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करना पड़ेगा। ये दर्द सिर्फ किसी एक छात्र या छात्रा का नहीं है। जिंदगी को संवारने की उम्र में मौत को गले लगाने की मजबूरी बयां करने वाले मोतिहारी के 18 और बेतिया के 42 छात्र छात्रा हैं। ये वो छात्र छात्रा हैं जिन्हें सरकारी तौर पर दलित और महादलित वर्ग में गिना जाता है, जिन्हें सरकार की ओर से बेहतर पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने की योजना बनाई गई। इनकी माने तो सरकारी मदद के भरोसे पर इन्होंने भुवनेश्वर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी लिया। 2 साल तक सब ठीक चला लेकिन 8 जनवरी को इन्हें फीस नहीं जमा करने के कारण कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बोले कि तुम बाबू घर जाओ और पैसे ले के ही आना। अब इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ कि खुद मुझ पर भरोसा नहीं। जब 2 साल हुआ हम लोग स्कॉलरशिप नहीं आया तो हम लोग का मतलब डायरेक्टर वो लोग प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि जाओ पैसा देना है तो दो, नहीं तो मत पढ़ो। सरकारी मदद के भरोसे इनकी आंखों ने जिंदगी को लेकर सुनहरे सपने सजाए थे लेकिन आज खुद को छला हुआ महसूस करते हुए सुसाइड करने की मजबूरी बयां कर रहे हैं। और ऐसा हम लोग कॉलेज निष्कासित कर दिया है, स्कॉलरशिप नहीं पास होने पर, गवर्नमेंट पास नहीं किया, तो अब ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग आगे क्या करें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को तो मतलब ये सुसाइड करने का मतलब परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं हम लोग, और आखिरी रास्ता हम लोग को वहीं मिला एक सुसाइड करने का। बस पढ़ाई क्रम में मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है सरकार, बिहार सरकार के द्वारा, जिस कारण कॉलेज हमें कॉलेज से निकाल दी है। अब हम आखिरी रास्ता हम लोग को वही दिखता है कि अपने आप को सुसाइड करके खत्म। हालांकि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम इन छात्रों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। आत्महत्या की जहां तक बात है, आजकल तो ऐसे डिसीजन लेने नहीं चाहिए, ये इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है आत्महत्या से, तो ये छात्रों को कम से कम समझना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या है, आगे भी ना आए, तो इसके लिए जो लोग हैं ऐसे को हम बुला करके या फोन पर हम कोशिश करेंगे, संपर्क करें और मसले को सुलझाने की कोशिश। जाहिर है इन छात्रों के साथ नाइंसाफी ने दलित महादलित के नाम पर बनने वाली सरकारी योजनाओं का सच सामने ला दिया है।
पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। ओडिशा में बिहार के 60 छात्रों को कॉलेज से निकाले जाने के बाद बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं राज्य के SC/ST मंत्री ने कहा कि पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से बिहार सरकार ने इन छात्रों का फीस जमा नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप उस कॉलेज ने इन सभी दलित छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया है। वहाँ के प्रशासन के तरफ से 12 छात्रों का या तो खाता नंबर गलत दे दिया या कॉलेज का खाता नंबर गलत दे दिया। पैसा जाने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन के खाता में नहीं जा पाया। पैसा पूरे के पूरे छात्रों का आपको 22 जनवरी को ही भेजा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त बिक्रम से मिल रही है। पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। छापेमारी के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और गोली लगने से सरपंच की मौत हो गई है। निरखापुर पंचायत के सरपंच की मौत की सूचना है। पालीगंज के बाबा बोरिंग रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त बिक्रम से मिल रही है। पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। छापेमारी के दौरान पुलिस गई हुई थी, उसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई और गोली लगने से सरपंच की मौत की सूचना है। निरखापुर पंचायत के सरपंच को गोली लगी, इसके बाद सरपंच की मौत हो गई। पालीगंज के बाबा बोरिंग रोड की ये घटना बताई जा रही है। जी मीडिया संवाददाता शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, मुठभेड़ को लेकर और क्या अपडेट है? जी राजेश, ऐसा है कि मुठभेड़ निरखपुर पंचायत में बाबा बोरिंग रोड है, जहां पर यह झारखंड पुलिस आई थी। पता चला था कि कुछ अपराधी हैं जिनकी छापामारी के लिए पुलिस गई थी और इसी बीच पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हो रही थी। और ये सरपंच रामनाथ चंद्रवंशी थे, जिनका घर था, वे घर से बाहर निकले थे। उनको लग रहा था कोई बारात वरात में पटाखा छूटा हो या जो भी हो, और इसी बीच उनको गोली लगी। उनको गोली लेकर अनमंडलिया अस्पताल में लोग गया, लेकिन अनमंडलिया अस्पताल में उपचार तो हो रहा था, लेकिन इस बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। और अभी अपडेट इतना ही है कि पुलिस की गोली लगी है या अपराधियों की गोली लगी है, अब ये तो आगे की बात है। बिल्कुल शशांक, तो झारखंड की पुलिस क्यों आई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जब यह स्वाभाविक बात है, जब झारखंड की पुलिस आई थी, कुछ कोई ऐसे अपराधियों का मामला होगा, आपराधिक घटना होगी झारखंड में, जैसे और पालीगंज पुलिस सहयोग से वह छापामारी करने आई थी। अब तो विस्तृत जानकारी चुकी, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, आगे फिर अपडेट हो सकेगा। बिल्कुल शशांक, बहुत शुक्रिया आपका ऐसे तमाम जानकारी के लिए। तो गोली लगने से सरपंच की मौत हो गई और गोली उस वक्त लगी जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। झारखंड पुलिस के जवान आए थे कुछ अपराधियों को पकड़ने। अब इलाज के दौरान सरपंच की मौत हुई है और ये पता नहीं चल पाया है कि पुलिस की गोली लगी या फिर अपराधियों की। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की और उस पर हो रहे विरोधियों के हमले की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार को RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिखावा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को जनता दरबार लगाने के बजाय हर रोज जनता से एक घंटा मिलने की सलाह दी। रघुवंश के अलावा नीतीश के पुराने सहयोगी रहे बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी CM के जनता दरबार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जनता दरबार लगाने की जरूरत ना पड़े। एक घंटा रोज मिलना चाहिए जनता, मतलब कि जिस तरह से वो मिल रहे हैं अभी समय ना, ये दिखावटी है। इसमें लोगों को प्रतीक्षा कराना है, प्रतीक्षा कराना जिसको कब क्या जरूरत है। मान लिया ये महागठबंधन का जनता दरबार था, आप कह रहे हैं कि ये महादरबार था। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री का ये लोग, हमारी राय है कि जो अर्जेंट नीड में आवे, तकलीफ में पीड़ित लोग, उनको रोज दिन कुछ न कुछ समय निर्धारित करना चाहिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोगों को आने की आवश्यकता न पड़े, और कम से कम लोगों को आने की आवश्यकता पड़े, इसलिए हम लोग के समय में जो निर्णय हुआ था कि DM/SP से लेकर DSP, BDO, CO हर स्तर पर जनता दरबार लगेगा और वहीं उनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो अभी वो सब बंद है।
आगे बढ़ेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब वो भी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगी। जिसके घर में शौचालय नहीं है वो इन सब पदों के लिए इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, इस प्रावधान को अब विलोपित कर दिया गया है। ये बयान उन तमाम लोगों के लिए सुकून लेकर आया है जो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके घर में शौचालय नहीं है। दरअसल सरकार ने अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए घर में शौचालय होना जरूरी था। हर उम्मीदवार को शौचालय का शपथ पत्र नामांकन के साथ दाखिल करना था। बिहार सरकार के फैसले से उन लोगों को परेशानी थी जो लोकतंत्र की पहली पाठशाला में भागीदार तो बनना चाहते थे लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वे शौचालय बनवा सकें। जी मीडिया के साथ कई लोगों ने अपनी परेशानी साझा की थी। जनप्रतिनिधियों के लिए या गरीब जनप्रतिनिधि के लिए बहुत कठिनाई की बात है। हमारे मैं अगला बार जिला परिषद लड़ा था, मैं जिला परिषद था, मेरे घर में ही शौचालय नहीं था। सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की अनिवार्यता तो खत्म कर दी लेकिन स्वच्छता अभियान का क्या होगा जिसकी बदहाली को देखते हुए ही सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़े थे। आनंद अमृतराज के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 3 दिन अंडा और 3 दिन मौसमी फल दिए जाएंगे। रांची में रघुवर कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसमें झारखंड राज्य सरकारी सेवा नियमावली का गठन, झारखंड सहकारिता पदाधिकारी नियुक्ति नियमावली में संशोधन, सीधी नियुक्ति की आयु सीमा 21 साल तय करने, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक वरीय अधिवक्ता, 4 अपर महाधिवक्ता और 1 अपर स्थायी सलाहकार की नियुक्ति की मंजूरी भी शामिल है। इन फैसले के साथ रघुवर कैबिनेट में महिलाओं के स्तन और गर्भाशय कैंसर के निःशुल्क उपचार के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार के रूप में जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जाता है उसके साथ सप्ताह में 3 दिन अंडा या मौसमी फल, गर्भाशय एवं स्तन कैंसर की जांच एवं उपचार के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग स्कीम की स्वीकृति। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह की। झारखंड की उपराजधानी दुमका में जेएमएम का 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। पूरा शहर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कटआउट और होर्डिंग से पटा हुआ है। इस समारोह में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के तमाम सांसद और विधायक भी शिरकत कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे गुमला में एक बेटी के साहसिक फैसले की। ब्रेक के बाद खबर पटना से है। पटना के सृष्टि हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सृष्टि की हत्या के आरोपी रजनीश को पटना के कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने रजनीश ने अपना गुनाह भी कबूल लिया। मर्डर करने की वजह यह थी कि मुझे लगा, मेरा कॉन्शियस अप्लाई कर रहा था कि उस टाइम वो लड़की एकदम बिल्कुल राक्षस, मुझे जैसा लगा, मुझे रियलाइज हो रहा था और मुझे उस टाइम लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी तबाह हुए तो हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आने वाला जो जनरेशन है वह तबाह नहीं हो, क्योंकि उसका काम था जो आप समझ सकते हैं कि क्या उस तरह का काम था उसका, और फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको ख़त्म करना।
पुलिस का दावा है कि रजनीश के साथी को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की भी बात कह रही है। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। प्रथम दृष्टि जो पूछताछ उससे हुई है, उसने बोला है कि उसने उसको मारा था। उसने कारण यही बताया है कि शादी.com पे 10 दिन पहले उससे उसकी भेंट मुलाकात हुई थी। शादी.com पे उसने उसको बुलाया पटना में, वो यहाँ मिलने आई। उसके बाद उन लोगों के बीच कुछ अनबन हुई, वो वापस जा रही थी। उसी क्रम में उसको गुस्सा आया और उसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जिसने उसको 3 गोलियां मारी और उसको हत्या कर दी। इंदौर की रहने वाली सृष्टि जैन का 25 जनवरी की सुबह पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सृष्टि पटना अपने कथित प्रेमी रजनीश से मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन यहां पर उसकी हत्या हो गई। आगे बढ़ेंगे। आरा में निगरानी विभाग ने सब इंस्पेक्टर बीपी सुमन को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बीपी सुमन शहर के नवादा थाना में तैनात थे। बताया जा रहा है कि नवादा थाना पुलिस ने रंगदारी के मामले में एक डॉक्टर रणजीत सिंह को जेल भेजा था। रणजीत सिंह ने नवादा थाना प्रभारी से केस में मदद मांगी थी और इसके बदले में थाना प्रभारी ने 50,000 रुपए की मांग की थी। डॉक्टर ने इसकी लिखित शिकायत निगरानी विभाग पटना में दर्ज कराई। इस शिकायत पर निगरानी विभाग ने एक टीम का गठन किया और दारोगा बीपी सुमन को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। कुमार थाना अध्यक्ष द्वारा बोला गया कि आप 50,000 रुपया अनुसंधानकर्ता बीपी सुमन को आप पहुँचा दें, आपके केस में हम लोग मदद करेंगे 469 में। वो हमने कहा कि हम निर्दोष हैं, बोले कि नहीं ये सब नहीं, ये सब चलता है ऐसा, आप जाकर फिर बीपी सुमन से मिले। तो बीपी सुमन बोले कि आप इंस्पेक्टर साहब कितना बोले हैं, तो हम बोले कि 50,000 रुपया बोले आपको देने के लिए। वो बोले कि हमसे भी ये 50,000 रुपया ही बोले हैं देने के लिए, आप 50,000 रुपया दे दीजिए, आपके केस में हम लोग मदद करेंगे। हम 50,000 रुपया उनको दिए। किस केस के लिए मांगा गया? 469 अभी 15। औरंगाबाद मंडल कारा में कैदियों के 2 गुटों में हुई झड़प में 7 कैदी घायल हो गए। झड़प के दौरान कैदियों के बीच चाकूबाजी भी हुई। घटना के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर एसपी ने मामले की जांच की। कैदियों का कहना है कि जेल में मौजूद सुरक्षाकर्मी पैसे लेकर कैदियों को मोबाइल, गांजा और शराब मुहैया कराते हैं। अगर कोई अधिकारी जाँच के लिए आते हैं तो उससे पहले ही कैदियों से आपत्तिजनक सामान ले लिया जाता है और जांच खत्म होने के बाद फिर कैदियों को उनकी चीजें वापस दे दी जाती हैं। सूचना मिली थी कि कैदियों के 2 गुट में आपस में मारपीट होगी, तो उसमें डीएम साहब भी आए थे साथ में, हम लोगों ने सुना उनकी बात को और दोनों गुट का ही दोष है, दोनों पे कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको बात करते हैं जेएमएम के स्थापना दिवस की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुमका में किस तरीके से जेएमएम का 37वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यह 37वां स्थापना दिवस है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन से बात की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 37वां स्थापना दिवस और इस बार का स्थापना दिवस किस तरीके से ऐतिहासिक रहा है और जिस तरीके से तैयारियां की गई है गांधी मैदान में और जो संख्या जो भीड़ जुटी है, इसको लेकर झामुमो के नेता और पार्टी विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन कितने उत्साहित है, इस पर बात करेंगे सीधे हेमंत सोरेन से। हेमंत जी, 37वां स्थापना दिवस किस तरीके से ऐतिहासिक रहा आपके लिए? देखिए, हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है, विशुद्ध रूप से पार्टी संगठन का कार्यक्रम है और हर बार संगठन की ये सोच रहती है कि हर 2 फरवरी ऐतिहासिक हो और इस अनुरूप पूरा संगठनिक ताकत के साथ इसमें लोग जुटते हैं काम में, इस कार्यक्रम के आयोजन में। और मतलब जब से मैं 2 फरवरी को देख रहा हूँ तब से ये मतलब कभी भी हम लोगों ने इसको घटते नहीं देखा बल्कि बढ़ते ही देखा है और आज पूर्व की अपेक्षा में आज थोड़ा ठंड कम भी है और मुझे लगता है कि मैदान में तो लोग अड़ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं थोड़ी बाहर गया था सड़कों पर शहर में, वहाँ पर भी लोग मतलब पूरा शहर जाम है। तो ये मंजर है, ये 2 फरवरी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये 2 फरवरी एक माइलस्टोन होता है
भविष्य की राजनीति के लिए, और हम इस बात को मानते हैं कि संथाल परगना और ये 2 फरवरी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि संथाल परगना की राजनीतिक निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करता है। लेकिन हेमंत जी, आप संथाल परगना की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है और संथाल को स्पेशली जो है फोकस रखा गया है, टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस गढ़ को बचाने की दिशा में और भी ज्यादा ठोस पहल करने होंगे, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी के जो तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं उसका कोई असर यहाँ नहीं पड़ रहा है? हाँ, ये बात मुझे जानकारी मिली है कि जहाँ जेएमएम के विधायक हैं, जहाँ जेएमएम के सांसद हैं, उन जगहों पर योजनाएं कम दी जा रही है सरकार के द्वारा, और शायद सरकार अपने गलत अपना पावर का दुरुपयोग कर हमें कमजोर करने की कोशिश करने का सोच रखती है, तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे ताकतवर हथियार होता है, और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में, अभी पंचायत चुनाव में तो इनको मुंह की खानी पड़ी है, आने वाला समय में ये लोकसभा विधानसभा में मुंह की खानी। दो अहम सवाल हेमंत जी यहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं, पहला ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला कदम क्या होगा ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये किसने आरोप लगाया? बाबूलाल मांडी ने लगाया, बीजेपी के कई बड़े नेता जो है उनका कहना है कि रघुवर दास के साथ आप जो सीएम है उनके साथ आपकी साठगांठ हो गई है, मैच जो है पहले से फिक्स्ड है। देखिए, ऐसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता है अपनी रणनीति के अनुरूप कैसे काम करना है। समंदर में पानी शांत रहने से इसका मतलब ये नहीं है कि समंदर के अंदर करंट नहीं है। जब आप समंदर के अंदर आएंगे तो पता चलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कितना खतरनाक भाव चल रहा है, वो आने वाला समय में सभी राजनीतिक दलों को पता चलेगा। क्या इसका मतलब निकाला जाए कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरे? बिल्कुल, आपने पतंग उड़ाई है? गुजरात के लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। पतंग कैसे काटी जाती है मालूम है ना? हमें भी पता है, 100 सुनार के तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक फ्लोर। हेमंत सोरेन जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर और तल्ख होने वाले हैं और सदन से लेकर सड़क तक जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की काम और कोशिश जो है वो पार्टी की तरफ से जारी रहेगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, दुमका। तो मनीष मेहता बात कर रहे थे हेमंत सोरेन से, जो मौजूद हैं झारखंड के 37वें स्थापना दिवस समारोह में। हम आपको बता दें कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 37वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है और इस समारोह के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता दुमका में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ वहाँ पर नजर आ रही है। मनीष मेहता भी दुमका में ही मौजूद हैं। मनीष, आपने बात की हेमंत सोरेन से, आपने बात की कार्यकर्ताओं से, और जो नज़ारा वहाँ पर है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति है, और ये जो 37वां स्थापना दिवस समारोह है इसको लेकर कितना उत्साह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में? हाँ बिल्कुल राजेश, आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब जो है, पार्टी के हमारे साथ 2 बड़े नेता मौजूद हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल, पार्टी के विधायक भी हैं कुणाल सारंगी, दोनों से बात कर लेते हैं एक करके। रवि जी, ये चीज़ बताइए कि इस बार का जो स्थापना दिवस है आपके नज़र में क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है रही इस बार? उपलब्धि कुछ नहीं है, ये हमारा सरकार के खिलाफ हमारा एक जो 2 फरवरी में पार्टी का प्रोग्राम होता है उसमें हमने दिखाया कि सरकार के खिलाफ लोग किस तरीके से हमारे साथ है और सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से सरकार गरीबों का शोषण कर रही है उसके खिलाफ आज के दिन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि झारखंड में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बोलबाला है।
आपके नजर में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का बोलबाला है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आपके ऊपर यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर ये आरोप अब लग रहे हैं कि आप रघुवर सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे में 37वां स्थापना दिवस क्या तेवर तल्ख होंगे? देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या नहीं, इसका फैसला झारखंड की जनता करेगी और झारखंड की जनता ने पंचायत चुनाव में किया भी है। पंचायत चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, तो इसलिए ये बातें। और हाँ, सदन के बाहर अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलता है उसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, और उस आईने में भी आप देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री मिलने के लिए आते हैं और सरकार किस तरह से चलेगी शायद वो बेहतर मार्गदर्शन लेने के लिए आदरणीय गुरुजी के पास आते हैं, तो इसलिए उससे कोई बी टीम होना नहीं होना जैसी बात नहीं होती है। और सदन में किसी भी मुद्दे को हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का कानून जी, मनीष, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है और हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में जोश है और उत्साह है, तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से वो अपना 37वां स्थापना दिवस को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम उन लोगों से बात करने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से। तो दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 37वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।